नमस्कार। हम लोग आगामी 15 से 17 अक्टूबर को वाराणसी में एक संगीत परिसंवाद का आयोजन करने जा रहे हैं। आप लोग जो इससे जुड़े हैं वो ये जानते ही हैं कि हम लोग पिछले 3-4 सालों से समय समय पर परिसंवाद शिविरों का आयोजन करते हैं। हम इसे रिट्रीट भी कहते हैं, जिसमें हम आधुनिकता, भारतीयता, शिक्षा और उससे जुड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत करते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग वाराणसी में संगीत पर, भारतीय संगीत पर आधारित एक परिसंवाद आयोजित करने जा रहे हैं। अब तक जो हमारे शिविर होते रहे हैं उसमें हम लोग गहन विमर्श करते हैं, स्वयं के अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और कुल मिला के बातचीत पर ही आधारित होते हैं। लेकिन इस बार जो ये हम संगीत पर हमने प्लान किया है, भारतीय संगीत पर, इसमें हमने हमको ये लगा कि भारतीय संगीत एक अच्छा माध्यम है भारतीयता को समझने का, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ ऋतुओं के संगीत हैं, दिन के विभिन्न पहरों के हमारे संगीत हैं, हमारे यहाँ जितने भी जीवन से जुड़े भी जितने भी उत्सव हैं उन सब के अलग अलग संगीत हैं। यहाँ तक कि कृषि में भी अलग अलग जो उसके काम काज होते हैं, अलग अलग समय के अलग अलग संगीत हैं। जो हमारे जितने भी कलाकार लोग हैं, हमारे जो शिल्पकार लोग हैं और जितने भी हमारे यहाँ व्यवसाय हुए हैं उन सबसे भी जुड़े संगीत हैं। तो ये सब, हमारा पूरा जीवन ही संगीतमय है और यह संगीत वैसा नहीं है जैसा आज का आधुनिक संगीत है, इसकी एक अलग विधा है। तो और हम लोग कुछ इस विधा को मतलब ये एक खास वर्ग तक ही सीमित हो गया और आम वर्ग में संगीत उस तरह नहीं दिखता है जिस तरह पहले रहा होगा। तो और लेकिन उसके बावजूद भी हम जब भी अपने संगीत को सुनते हैं, भारतीय संगीत को सुनते हैं, तो हमें वो अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम उससे जुड़े हुए हैं, वो हमारा है और वो कहीं अंदर से हम वो जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इस जुड़ाव को समझने के लिए और इस अपने भीतर जो संगीत है हमारे भीतर उसको समझने के लिए हम लोगों ने एक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग बनारस के ही स्थानीय स्तर के बड़े विद्वान लोग, उनको आमंत्रित किए हैं, संगीत के विद्वान लोग उनको आमंत्रित किए हैं और उनके संग हम संगीत पर बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है वो लोग अपने संगीत विधा को प्रस्तुत भी करेंगे, लेकिन हम उनसे उस संगीत विधा को और अपने उस जुड़ाव को समझने के लिए बातचीत करेंगे, एक संवाद करेंगे। तो इसमें जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा परिचय आपको देना चाह रहा हूँ। इसमें आ रहे हैं प्रोफेसर ऋत्विक सनवाल जी, जो देश में ध्रुपद परंपरा के वाहक हैं। इसमें आ रहे हैं श्री प्रेमचंद होमबाल जी, जो भारतीय नाट्यशास्त्र के जाने माने विद्वान हैं। इसमें आ रहे हैं प्रोफेसर राजेश शाह जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत प्रभाग के अध्यक्ष और देश के सितार वाद्य में जाने माने कलाकार हैं। इसमें आ रही हैं विदुषी डॉक्टर कमला शंकर, जो देश की एकमात्र महिला गिटार वादिका हैं। हमारे साथ दो युवा कलाकार, सुश्री श्रद्धा गुप्ता जो एक गायिका हैं और श्री आदित्य दीप भी रहेंगे, जो बनारस में अनेक संगीत जो कार्यक्रम होते हैं उसके शान हैं और ये पखावज एक वाद्य यंत्र होता है उसके वादक हैं। और तो ये सब लोग, ये 5-6 लोग हमारे संग रहेंगे जो हमारी मदद करेंगे हमारे संगीत से जुड़ाव को समझने के लिए। और हम, क्योंकि ये संगीत की विधा थी, अलग तरीके की विधा थी, तो इसमें सिद्ध ने अपनी दो सहयोगी संस्थाओं को भी साथ लिया है। इसमें जो पहली संस्था है वो वाराणसी में ही है, ये हमारे रविंद्र शर्मा गुरुजी के जो रूममेट कभी हुआ करते थे बड़ौदा में, श्री मदन लाल जी, वो इस संस्था को आजकल देख रहे हैं। तो एक राम छाटपार सिल्फ न्यास है जो वाराणसी में है, वो इस वाराणसी में जितना भी इसके आयोजन संबंधी जो व्यवस्था है वो लोग इसको देख रहे हैं मदन लाल जी के नेतृत्व में। और दूसरी संस्था जो इसमें हमारे संग जुड़ी है वो है कबीर यात्रा बीकानेर, जिनसे आप लोग परिचित भी होंगे। ये लोग काफ़ी समय से लोक संगीत, लोक जीवन पर काम कर रहे हैं और ये लोग इस हमारे शिविर का प्रचार प्रसार, हमारे रिट्रीट का प्रचार प्रसार में हमारी सहायता कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस शिविर में आएंगे और ये जो हम प्रयास कर रहे हैं अपने भारतीय संगीत को समझने का, अपने उससे जुड़ाव को समझने का, उसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि यह शिविर जो है
राम छाटपार सिर्फ न्यास के प्रांगण में हो रहा है, तो उनके पास रहने की व्यवस्था बहुत सीमित है, 26-27 लोग ही रह सकते हैं। हालांकि सारे कलाकार तो स्थानीय हैं, तो लेकिन सब हम जो प्रतिभागी होंगे वही उस रहने की व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, लेकिन फिर भी वो 26-27 लोगों तक ही सीमित है। तो यदि आप उस नंबर उससे पहले अपना पंजीकरण हमारे साथ करा लेंगे तो आप हमारे साथ उस प्रांगण में रह पाएंगे, अन्यथा आपको अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तो ये जो हमारा शिविर था उसका एक संक्षिप्त परिचय था, आशा है आप सब लोग इसका लाभ उठाएंगे और हमारे साथ इस संवाद में शामिल होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।